क्योंकि बीच रास्ते में थोड़ा साइड पे लगाई है स्कूटी, वो रही। गाइज गुड मॉर्निंग, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एंड मैं नींद से उठ गया हूँ, अभी भी नींद में ही हूँ। एंड अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 10:30, तो फटाफट से फ्रेश होके बताता हूँ कि लेट क्यों उठा। तो मैं फ्रेश होके लग नहीं रहा क्या, बट हाँ मैं फ्रेश हुआ, तो मैं फ्रेश होके आ गया। एंड मैं यही बता रहा था कि मॉर्निंग में लेट क्यों उठा, क्या हुआ। तो बात कुछ ऐसी थी, कल नाइट IIT में कोई सिंगर वगैरह आया था तो वहाँ चले गए थे। एंड सिस्टर को स्कूल भी जाना था, मॉर्निंग में अराउंड 5:30 आना पड़ा घर वापस, तो नींद वगैरह सब टूट गई और लेट आया था IIT से, हार्डली एक वन एंड हाफ आवर की नींद की बस। एंड वहाँ पे भी छोटा सा व्लॉग बनाया, बट कुछ खास नहीं बनाया। एंड वो व्लॉग अब आ रहा है इन 3, 2, 1। अभी कुछ हम ऐसी जगह पे, तो बताता हूँ, दिस इज ये IIT है, दिखाता हूँ। वो हाईवे था एंड यहाँ से आए, वो हाईवे जा रहा है, चल रहे हैं। अभी कैसा लगा आपको ये फेस्ट वाला था? इस फेस्ट को देख के अपना कॉलेज का टाइम याद आ गया। एंड खड़ खड़ आवाज़ आ रही होगी, ओ तो बात ऐसी है कि डैड ने कॉल किया था कि भाई थोड़ा बैंक पे आना है, कुछ पता नहीं डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या साइन करने हैं। एंड मास्क लगा के बस निकल रहा हूँ, साइड बाई साइड मॉम को भी ऑफिस ड्रॉप करना है, तो मैंने कहा चलो मैं ही ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी जाना ही था। सो आई एम रेडी टू गो। एंड मोटो व्लॉग आ रहा है इन 3, 2, 1। फाइनली बैंक पे आके काम वगैरह निपटा के अब बस निकल रहे हैं। डैड थोड़ा अंदर ही है, थोड़ा काम डैड को है। एंड शोर बहुत हो रहा है यहाँ पे, तो काम हो सब हो गया है एंड निकलते हैं यहाँ से। काम आगे ये भी है कि सिस्टर की यूनिफॉर्म अभी तक नहीं ली है एंड वो यूनिफॉर्म भी लेने जाना है, तो एंड सिस्टर को भी पिक करना है स्कूल से। सो फटाफट से निकलते हैं यहाँ। तो फाइनली स्कूल पहुंच गए थे एंड स्कूल की गाड़ियां बाहर जा रही हैं एंड अभी जस्ट यूनिफॉर्म लेने जाना है हमको, तो तभी मैं सीधा स्कूल आ गया। तो स्कूल आके बस निकलते हैं
बाहर स्कूटी लगा के रखी हुई है, तो वो रही। सो मिलते हैं डायरेक्टली कपड़े वाली शॉप पे जहाँ से यूनिफॉर्म इसकी मिलेगी। पहले यूनिफॉर्म वाली जगह पे पहुँच गए एंड ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जो यूनिफॉर्म, सो देखते हैं अपनी यूनिफॉर्म आई है नहीं आई है। आज भी पोपट हो गया, पोपट यही हो गया कि स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म भेजी है, इन्होंने कह रहे हैं दिल्ली से स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म आई है, बाकी कुछ नहीं आया है, स्कर्ट एंड ऑल दैट, बट स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म तो ऑलरेडी थी एंड स्कर्ट वगैरह जो मेन चीज़ चाहिए वही नहीं मिल रही है, पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं एंड गर्मी, तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। फाइनली घर पहुंच गए एंड जस्ट छोटी को अभी लंच वगैरह देते हैं, खुद भी कुछ खा लेते हैं एंड फिर से निकलना है क्योंकि सिस्टर का ट्यूशन है 4 बजे। सो जल्दी थोड़ा सा खा लेते हैं एंड हाफ एन आवर का रेस्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं। 2000 years later. जैसे कि बोला था सिस्टर को ट्यूशन छोड़ना है एंड टाइम हो चुका है 3:42। दोनों को स्टार्ट करते हैं एंड बहुत सारी अभी कुछ बात मैंने करनी है, बताता हूँ क्या क्या है। यार ये हैंडल नहीं खुल रहा है इसका, एक हैंडल ऐसे ऐसे करो ना, हाँ खुल गया हैंडल, तो निकलते हैं, स्टार्ट हो गया है। तो फाइनली सिस्टर को ट्यूटोरियल छोड़ दिया एंड बात ये थी कि फाइनली मैं घर आ गया वापस। सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है। तो बात ये थी कि मैं सिस्टर को ट्यूशन से छोड़ के घर आ गया हूँ एंड कैसा लगा आपको ये व्लॉग, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया होगा तो व्लॉग पे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि 80% लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। वो सब्सक्राइब वाला ऑप्शन दबाओ भाई, SUBSCRIBE नीचे होगा, तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दबाओ जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको मेरे हर एक व्लॉग की आए। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।